जीतन राम मांझी का राजनीतिक स्तर जो उठा है वो इसी फतेहपुर की धरती से, कोई जानता है जीतन राम मांझी को तो ये फतेहपुर की धरती से उनको जानता है कि जीतन राम मांझी भी कोई व्यक्ति हैं, लेकिन ये तो नहीं आए ऐसा करने के लिए, यहाँ दुख बांटने के लिए आए तो सुरजीत पासवान आए। पप्पू यादव चले आए कहाँ से? पप्पू यादव आ गए आपका पटना से, मधेपुरा पटना से आ गए। अब ये संतोष सुमन गया से नहीं आए? गया से नहीं आए, यहाँ तक कि कोई हाल चाल तक के नहीं पूछे। क्या बात! और मैं अपनी बात कह रहा हूँ, उस टाइम हम भाजपा के युवा अध्यक्ष थे। अच्छा, भाजपा के नेता भी रहे हैं आप? हम भाजपा में थे, भाजपा के युवा अध्यक्ष थे, जब जिला अध्यक्ष उस समय धनराज शर्मा जी थे। हमने उनको फोन किया तो उन्होंने बात करने से भी मना कर दिया हमें कि किस लिए फोन कर रहा है, मेरा कार्यकर्ता है, दुख में है कि सुख में है, किस कारण से मर रहा है कि बच रहा है, कोई भी भाजपा का, यहाँ तक कि भाजपा का प्रखंड अध्यक्ष के बात कर रहे हैं, यहाँ का प्रखंड अध्यक्ष उस समय श्री कृष्णा सिंह थे, वो भी नहीं पूछने के लिए आए थे, वो भी किन्हीं से बात नहीं किए। तो जो हमारे साथ हमारे रक्षा की बात करेगा, हम उसके साथ खड़ा हैं, तन मन धन जीवन जैसे कहिएगा वैसे हम खड़ा हैं। सुरजीत के साथ आप वैसे खड़े हैं? हाँ, हम खड़ा हैं। हाँ, हाँ बिल्कुल खड़ा है। और हम लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति के साथ एकदम कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। कुमार सुरेश जमीनी नेता है, जमीनी नेता है, सबको दुख सुख में देखते हैं, रहते हैं। अभी अगर जो उनको फोन करें कि मेरे साथ ये दिक्कत है तो कहीं ना दौड़ते हुए आ जाए कि मेरे पब्लिक जो है, मेरा जनता जो है, मेरा क्षेत्र का जो है दुखी है। कुमार सर भी दौड़े चले आए? हाँ, दौड़े चले आएंगे, लेकिन किसी पार्टी भाजपा में आज तक कोई ऐसा नहीं है कि आ जाएगा। गया लोकसभा चुनाव का जो है माहौल गर्म है, एक तरफ कुमार सरबजीत तो दूसरी तरफ जो है जीतन राम मांझी है, यानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जीतन राम मांझी। अब लोग किसे वोट करेंगे? जहां मैं जा रहा हूं, लोगों से बातचीत कर रहा हूं, कहीं ना कहीं जो लोग सरबजीत कुमार के पक्ष में ही दिखाई पड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ दो व्यवसायी मौजूद हैं, एक दुकान है, यहाँ भी हम पहुँचे तो चर्चा राजनीति पर हो रही थी। देखिए, बिहार के बच्चों बच्चों के अंदर जो है ना वो राजनीति बसता है भाई साहब, ये लोग तो जो है उम्रदराज लोग हैं। आइए सीधे हम गया की राजनीति पर बातचीत करते हैं, चूँकि माहौल जो है वो काफ़ी गर्म है। कोई ये नहीं कह सकता है कि आसानी से गया लोकसभा का सीट जो है निकल जाएगा। हाँ, अगर विपक्ष में कुमार सरबजीत ना होते तो फिर नतीजा कुछ और हो सकता था, लेकिन कुमार सरबजीत जो विकास पुरुष के नाम से अपने विधानसभा में विख्यात हैं, कहीं ना कहीं वो जीतन राम मांझी के लिए दिक्कतें पैदा कर सकती है। सबसे पहला सवाल, कुमार सरबजीत वर्सेस जीतन राम मांझी, आप किसको पसंद करते हैं? सरबजीत जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं समर जी, और यहां भी मैदान में 15 प्रत्याशी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं गया लोकसभा चुनाव क्षेत्र से, लेकिन 15 में दो ही को है जो टक्कर रहेगा, और टक्कर क्या रहेगा, मेरा अनुमान जहाँ तक की है, मेरा सोच है कि सरबजीत पासवान जो हैं, जो अभी बोधगया विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं और कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, कुछ दिन के लिए उनको पर्यटक मंत्री भी मिला था, जीतन राम मांझी पे भारी पड़ने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, भारी पड़ने वाले। अच्छा, आप किसको वोट कर रहे हैं? नहीं, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं कुमार सरबजीत को। कुमार सरबजीत को? हाँ, क्यों, क्या दिक्कत है? आप टीका लगाने वाले आदमी, भाजपाई आदमी है आप लोग, फतेहपुर का फॉरवर्ड जितना भूमिहार समाज के लोग हैं तो भाजपा में जाएगा, तो फिर आप सरबजीत की बात कर रहे हैं? टीका लगाने से कोई भाजपा का या कोई आरजेडी का नहीं हो जाता है। अच्छा, टीका लगाते हैं हम, अपना पूजा करते हैं हम, अपना सनातन को मानते हैं। इसका मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो टीका लगाता है वो भाजपा है? भाजपा से ये है भाजपा, तब कहना कब? नहीं नहीं, कहने का मतलब ये हुआ कि भाजपा सर्टिफिकेट दे रही है? मतलब हिंदू का सर्टिफिकेट वही देती है कि अगर जो भाजपा करेगा वो हिंदू का आदमी होगा? जिसको सर्टिफिकेट मैंने भाजपा दे देगी वही हिंदू होगा, और जिसको सर्टिफिकेट नहीं देगी वो हिंदू सनातनी नहीं होगा। तो यही तो चल रहा है? नहीं, वो चल रहा है, ये जो लोग जो लोग हिंदूवादी की बात करते हैं, जो लोग भारत माता की जय करते हैं, लोग कहता है कि नहीं यही हिंदूवादी, यही भाजपा ही है। गलत बात है, ऐसा बात कुछ नहीं है। ये ऐसे भाजपा वाले लोग को सोचना है, ये सोच भाजपा वाले लोग को है। अच्छा, भाजपा को वोट करिएगा? नहीं, भाजपा को वोट नहीं करेंगे हम, तो कुमार सरबजीत को वोट करेंगे। कुमार सरबजीत को क्षेत्रीय पार्टी है, हमारे क्षेत्र का है, हमारे दुख सुख हर एक समय मेरे साथ जो खड़ा रहेगा उसी को हम सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है कौची दुख सुख में आपके यहाँ सरबजीत रहे हैं जी? क्या दुख सुख में? बीजेपी का कई नेता जो है वो आस पास का आता है जाता है, क्या सरबजीत जी कौची के सुख दुख में आपका काम किए हैं? सरबजीत जी मेरे पैसा लिए हैं क्या? मेरे साथ और मेरे फतेहपुर के जितने भी व्यवसायी भाई हैं, सभी के साथ दुख सुख में खड़े रहते हैं। कब खड़ा रहा बताइए, आप बता दीजिए एक बार आप हमको। हाँ, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। बताइए आज के मतलब कितना लगता है कि 1.5 साल हुआ है मुश्किल से। क्या हुआ? फतेहपुर के व्यवसायियों के द्वारा
दिन दहाड़े दुकान पे गोली चला देना, कहीं किसी को फोन करके रंगदारी मांग लेना, व्यवसायियों के साथ हाँ, हुई थी। आपको ही पता है, समझ लिया, रिपोर्टिंग भी किया था, रिपोर्टिंग भी किया था आपने, और बहुत मतलब क्या नहीं हुआ, कम से कम फतेहपुर के जो मार्केट जो डेवलप कर रहा था उसको रोकने का काम किया गया था। उस समय तो ना कोई भाजपा वाले फतेहपुर में किसी व्यवसायी से मिलने के लिए आए, ना हम पार्टी के जो अभी जीतन राम मांझी है, इनका लड़का का क्या नाम है, कौन सुमन, संतोष सुमन, संतोष सुमन जी किसी व्यवसायी से दुख बांटने के लिए आए कि नहीं आपके साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ना कोई पदाधिकारी, कोई SP, कोई IG, कोई कहीं कोई एक्शन नहीं लिया ये लोग कि मेरा जनता जो है, जबकि जीतन राम मांझी का राजनीतिक स्तर जो उठा है वो इसी फतेहपुर की धरती से, कोई जानता है जीतन राम मांझी को तो ये फतेहपुर की धरती से उनको जानता है कि जीतन राम मांझी भी कोई व्यक्ति हैं, लेकिन ये तो नहीं आए ऐसा करने के लिए, यहाँ दुख बांटने के लिए आए तो सुरजीत पासवान आए, पप्पू यादव चले आए, कहाँ से पप्पू यादव आ गए, आपका पटना से, मधेपुरा पटना से आ गए, और ये संतोष सुमन गया से नहीं आए, गया से नहीं आए, यहाँ तक कि कोई हाल चाल तक के नहीं पूछे, क्या बात। और मैं अपनी बात कह रहा हूँ, उस टाइम हम भाजपा के युवा अध्यक्ष थे। अच्छा, भाजपा के नेता भी रहे हैं आप? हम भाजपा में थे, भाजपा के युवा अध्यक्ष थे, जब जिला अध्यक्ष उस समय धनराज शर्मा जी थे, हमने उनको फोन किया तो उन्होंने बात करने से भी मना कर दिया हमें कि किस लिए फोन कर रहा है, मेरा कार्यकर्ता है, दुख में है कि सुख में है, किस कारण से मर रहा है कि बच रहा है, कोई भी भाजपा का, यहाँ तक कि भाजपा का प्रखंड अध्यक्ष के बात कर रहे हैं, यहाँ का प्रखंड अध्यक्ष उस समय श्री कृष्णा सिंह थे, वो भी नहीं पूछने के लिए आए थे, वो भी किन्हीं से बात नहीं किए, तो जो हमारे साथ हमारे रक्षा की बात करेगा हम उसके साथ खड़ा है, तन मन धन जीवन जैसे कहिएगा वैसे हम खड़ा हैं। सुरजीत के साथ आप वैसे खड़े हैं? हाँ, हम खड़ा हैं। हाँ, बिल्कुल खड़ा है, और हम लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। कुमार सुरेश जमीनी नेता है, जमीनी नेता है, सबको दुख सुख में देखते हैं, रहते हैं, अभी अगर जो उनको फोन करें कि मेरे साथ ये दिक्कत है तो कहीं ना दौड़ते हुए आ जाए कि मेरे पब्लिक जो है, मेरा जनता जो है, मेरा क्षेत्र का जो है दुखी है। कुमार सर भी दौड़े चले आएंगे? हाँ, दौड़े चले आएंगे, लेकिन किसी पार्टी भाजपा में आज तक कोई ऐसा नहीं है कि आ जाएगा। मतलब भाजपा में जो नीचे जमीनी कार्यकर्ता से आप लोग छोटे स्तर के नेता, उनका कोई वैल्यू नहीं होता? नहीं, कोई वैल्यू नहीं होता है वहाँ का, छोटे कार्यकर्ता का कोई वैल्यू नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं है, कैसे साथ रहेंगे हम उनके साथ, बताइए। ऐसा थोड़ी कि हम भाजपा से कर्जा लिए हुए हैं जो हम उनसे अथी करेंगे, नहीं, मेरा सुरक्षा, मेरे साथ जो कदम मिलाकर चलेगा हम भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे, और सभी दोस्तों को हमसे जितना कोशिश होगा कुमार सर जीत के साथ देने के लिए उतना देंगे हम, जिस तरह से भी होगा। मतलब आप भाजपा के पहले नेता रह चुके हैं, जाति से भूमियार है, लेकिन फिर भी कुमार सुरजीत को वोट? जाति से भूमियार, इसका मतलब क्या, हमें कोई कुमार सुरजीत को वोट? हाँ, कुमार सुरजीत के, हमको कुछ बिगाड़े हैं क्या, हमारा साथ दिए हैं, हम उनका साथ रहेंगे, क्या बात है। हाँ, सिंपल सी बात है, आपके हम आपको साथ देंगे, आप हमारे लिए जान दे रहे हैं, हम आपको जान देंगे, आप हम आपके लिए जान देंगे, आप भी मेरे लिए मरिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इस स्थिति से तो लग रहा है कि कुमार सुरजीत निकल रहे हैं क्या? बहुत, 1.5 लाख से ऊपर वोट से जीतने वाले हैं कुमार सुरजीत। हाँ, पूरा फतेहपुर का व्यवसाय कुमार सुरजीत के साथ? हाँ बिल्कुल, क्या बात, हम ही और व्यवसाय से चलिए कहवा देते हैं कि इनको वोट देंगे, खुलेआम बोलता है कुमार सुरजीत को देंगे। जीतन मांझी 9 महीना रहे मुख्यमंत्री बिहार का, 9 महीना मुख्यमंत्री रहे, फतेहपुर का कभी उनका ध्यान नहीं आया। अगर जो फतेहपुर के लोग या और उनको कोई वोट करता है तो वो भी गद्दार है, सुरजीत का गद्दारी करेगा। क्या बात, क्या बात, सुरजीत हमारे एरिया में फतेहपुर में विकास की धाराएं बहा दिया है। सुनते हैं कि कृषि विश्वविद्यालय बना दिए। 10 साल हरिमान जी रहे सांसद, 10 साल हरिमान जी सांसद रहे, उनके पास जब हम गए थे कि जनशताब्दी का जो है सो ठहराव करवाइए, तो हमसे टाइम लेकर के बुलाए कि अपना आवास पर आइए, और जब उनका आवास पे हम यहाँ से लड़कन को सब लेकर के गया चले गए, गया पहुँच के फ़ोन किए कि सर आप कहाँ हैं, तो बोलते हैं कि कौन बोल रहा है जी, तो हम अपना परिचय बताए कि आनंद कुमार बोल रहे हैं, भाजपा के युवा अध्यक्ष फतेहपुर प्रखंड से बोल रहे हैं, आप बुलाए थे सर, हम गया आए हुए हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो उधर से फ़ोन करके बोलते हैं कि सांसद से मिलना इतना आसान है, क्या बात, समझ गए, तो भाजपा के ऐसे लोग हैं, भाजपा के तो सांसद आप ही लोग बना, आप ही लोग से करें, मिलना आसान, हाँ मिलना आसान है, उनका भुक्तभोगी उनको विधानसभा का टिकट जब बोधगया से मिला तो उनका भुक्तभोगी उनको दंड सहना पड़ा, और हार का सामना करना पड़ा, और हार का सामना करना पड़ा, और ये कुमार सुरजीत जो विकास पुरुष हैं, उनका
जीत हो गया, जीत हुआ, पटकनी दिए उनको, आया समझ में। क्या लगता है गया लोकसभा से कौन निकल रहे हैं, आपको क्या लगता है? जो बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं। आप भी इनका समर्थन कर दिए? हाँ। आप भी सर्वजीत के पास हो गए? जी जी। क्या बात। देखिए तो भाजपा के पूर्व नेता और फतेहपुर के ये व्यवसायी हैं, बमके हुए हैं भाजपा के नेताओं पर, एकदम जीतन राम मांझी को ये वोट नहीं करेंगे, एकदम कुमार सरजीत को करिएगा। हाँ, कुमार सरजीत को करेंगे। पूरा भाजपा का नेता आ जाएगा आपके पास कि क्या आप कर रहे हैं, पूर्व नेता रहे हैं, सपोर्ट करिए। क्या कीजिएगा, हम जिनका ऋणी है उनका का साथ देंगे ना, हमारे वो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चले हैं, हम उनको वोट करेंगे और जितना कोशिश होगा हमारे से जितना कोशिश होगा ज़्यादा से ज़्यादा वोट करवाने का वो हम करवाएंगे वोट उनको। तो देखिए कुमार सरबजीत जी की जो है वो तारीफ अब हो रही है, अगर आप जमीनी नेता रहेंगे, जमीनी स्तर पर काज करेंगे तो कहीं ना कहीं लोग जो है आपका गुणगान करेंगे। ये अनंत कुमार मोर हैं जो कुमार सरबजीत के लिए समर्पित हो चुके हैं, ये कह रहे हैं कि मुसीबत में काम दिए हैं तो हम भी उनके लिए जी जान से लगे रहेंगे। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं कुमार सरबजीत और जीतन राम मांझी को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और गया का सांसद कौन बनेगा यह भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जेके न्यूज़ 24x7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।